राम राम साथियों, मैं हूं जयंत खांकरा। आप देख रहे हो केटीआर वॉइस की खास पेशकश। जी के मायने आप पंचायत चुनाव की चुनावी यात्रा का मायने एक अया की धरती में आ खड़े हुए हैं, जो शहीद की धरती भी कही जाए, जो शहीद राम कुमारपुरा का राम कुमार जी था, वे किसाना के लिए शहीद होया। और मालाराम विधायक जो एक आम नागरिक की तरह रहा, जाजिम पर सिंपल आदमी का सागर बैठ करके और आपकी विधायकी को जीवन जनता के लिए अर्पण कर दियो। शहीद राम कुमार जी ने बहुत किसानों के लिए काम करो। प्रधान मनीषा गुर्जर हो चाहे पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर हो, ये पूरा परिवार समाज सेवा के लिए समर्पित रहे हुए हैं। आज ई परिवार का ही एक सदस्य भागीरथ जी गुर्जर जो चुनावी मैदान में पंचायत चुनाव मैदान में आप पदार्पण कर रहे हैं, आप उन सब बात करेंगे और जानेगा कि उनकी समाज सेवा में क्या इच्छा है और किस प्रकार से वे समाज की और किसानों की सेवा करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे भागीरथ जी से। सबसे पहले आपने जानेगा कि थारो मकसद के है कि राजनीति में आना को और समाज सेवा में आना। हमारा मकसद है कि हमारा परिवार पहले से राजनीति में था, आज भी है, और मैं नए तरीके से ग्राम पंचायत राम पूरा पंचायत का विकास करना चाहता हूँ। जैसे बिजली, पानी, सड़क अनेक ढाइयों में बसी हुई है ग्राम पंचायत राम पूरा। इसमें 11 वार्ड हैं, वार्डों में अनेक ढाणियाँ हैं, उनमें कुंभाराम जल योजना जैसे उनमें अभी पानी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत राम प्रत्येक ढाणियों में कुंभाराम जल योजना को पहुँचने का मैं संकल्प लिया है। और जैसे आवारा पशु हैं उनकी व्यवस्था के लिए हमने एक गौशाला का भी ग्राम परंपरा में इनका प्रबंध करवाएंगे। और एक हमारे बहुत बड़ा राम परंपरा में जैसे हॉस्पिटल चिकित्सा का सवाल वो करवाएंगे हॉस्पिटल का। मेरा यही सपना है कि बढ़िया तरीके से विकास हो, पंचायत का उद्धार हो, ग्राम पंचायत राम परंपरा हमारे साहू जी के नाम से करवाई गई थी और सन 71 में हमारे साहू जी शहीद हो गए थे। उसके बाद में 72 में हमारे चाचा जी ने जंग सिंह पार्टी से नीम का थाना से चुनाव जीते थे। उसके बाद में वो एक बार नीम का थाना, वो तीन बार क्षेत्रीय से विधायक रहे। सीट पड़ी थी उनकी, एकमात्र मौत हो गई थी। अब जनता की उम्मीदें भी आप पर अधिक हैं, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से होने के कारण जो सरपंच जो एक धुरी होती है विकास की गांव की, सड़कें हों, जब अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, खरंजा सड़क नहीं बने, खुरे नहीं बने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए हम प्रत्येक डाणियों में सड़क पहुँचाएंगे, पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और जो कुंभाराम जल योजना है उनमें जो वंचित रह रही डाणियों में उनमें पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे कुंभाराम जल योजना के। पिछले जो सरपंच था वे किया को काम करया और अब के कमियां रह गई जो बिन पूरी करना चाहूँगा? देखो, कमियां तो जनता के बीच में जाते हैं तब सुनते हैं हम, कमियां तो बहुत हैं, सबकी इच्छाएं भी पूरी सब नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा जो बिजली, पानी, सड़क जो भी सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से पूरा प्रयास करेंगे। और खेत खलियान से जुड़ेड़ा किसान भी खूब अधिक है उरे, तो किसानों के लिए के योजना थारे दिमाग में है? किसानों के लिए बिजली और किसान जो भी खेतों में बस रहे हैं, अलग अलग ढाणियों में बस रहे हैं, उनके लिए रास्ता के लिए, और जैसे इनका खाद्य सुरक्षा में वंचित रह रहे हैं उनको सबको उनमें जुड़वाना एक मेरा संकल्प है। अब आपा राम कुमार पुरा की मुख्य सड़क पर खड़े हैं, अठे कई राहगीर भी आ रहे हैं, आसे भी जानेगा
के आपको कहना है चुनाव ने लेकर के? भाई साहब नमस्कार, चुनाव आगा है पंचायत का, तो के लाग रहे थाने कह को उम्मीदवार चाहिए अब की बार सरपंच? उम्मीदवार हमें कर्मठ उम्मीदवार चाहिए और सरद जमीन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार चाहिए और जो किसानों की मजदूरों की इनकी सेवा कर सके। के लाग रहे अब की बार पिछला चुनाव में जो थे सरपंच चुना वो के विकास कार्य करवायो और अब थाने के उम्मीद लाग रही है? विकास तो करवाए पर पूरा कौन करवा पाया और ईब हम भागीरथ जी गुजर की पुत्र वधु है उसको वोट दे रहे हैं साहब, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। और एक और ग्रामीण है पूछूंगा के लाग रहे थाना की बात? और ईमानदार उम्मीदवार भागीरथ गुजरी है और योग्य है, सरल आदमी है, करने लायक भी है, आगे जनता की सुनाई करने लायक है, बढ़िया उम्मीदवार है, इसको चुनेंगे हम। गिर सिंह गुजर को देंगे साहब को। क्या खासियत है उनमें? काम करने वाला आदमी है वो, कन्या दे उम्मीदवार तो बोला खड़े हैं खड़े हैं लेकिन वो काम करने वाले नहीं है, नए हैं वो। डाणी लिकायता वाली में आप पहुंचे हैं, बड़े देखा कि ये युवा वर्ग जो है ये पानी की टंकी पर खड़े है, कुछ पानी भी भर रहे हैं, से जानूंगा चुनाव आ गया है पंचायत का, कह को सरपंच खानता है? देखो सर, सरपंच ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को सुने, मतलब युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा सरपंच होना चाहिए। जैसे लिखाया था डाणी में ऐसे ग्राउंड नहीं, आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड की कमी है, बहुत से लोग ऐसे ग्राउंड से पिछड़े, ग्राउंड के लिए मतलब हर एक को बोल दिया हमने लेकिन किसी ने ग्राउंड की नहीं सुनी। और स्कूल का ग्राउंड है वो भी अब कुछ में तो खेत बने हुए हैं, कुछ में घर है, तो हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो युवाओं के लिए ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था करे और कुछ ये पानी वगैरह की समस्या है उसको सॉल्व करे। ऐसा नहीं कि सरपंच बनते ही ब्लैक शीशे वाली स्कॉर्पियो लेके निकल पड़े, ऐसा कुछ सरपंच चाहिए नहीं हमें। तो हमारा तो कहना यही है कि युवाओं के लिए और हमारे भाइयों के लिए सब कुछ ऐसा करने वाला है। अब ये एक गांव में आप पहुंचा जड़ा महिला जो है पानी भर रही है टंकी पर और आगे समस्या सुनाऊंगा, आखिर नया सरपंच आने वाला है, बाकी क्या समस्या है और बताया वो सरपंच आए माने जी थारी के समस्या है बताओ थोड़ी के बात है। चुनाव आ रहे हैं अब सरपंच का, कहे को सरपंच आए ताने के उम्मीद है उसे? माने सरपंच आए को चाहे एकदम फर्स्ट क्लास चाहे, जो भी मारो जो काम हो ना वो फटाफट होना चाहिए, पूरे कोई गाड़ी ना कोई घोड़ा ना कोई रोड ना कोई पानी ना कोई डॉक्टर की कोई व्यवस्था ना, फिर क्या फायदा हो सरपंच और बोर्ड ले चले जाए फिर आराम से घर बना क्या बताओ, जो खुद की तो आपकी परेशानी में चाहिए दूर जनता होगा दे बोलो पानी की और साधना की समस्या हो रही है, बताया जा रहे हैं कि कुंभा राम नहर परियोजना को पानी घर घर पहुँच को तारा पहुँच गोगे एक कहने कोई राशन कार्ड तुम मिल रहे ना कहने कोई और कुछ मिल रहे ना और कुछ भाई पानी महिला जो है पानी ने लेकर खासी परेशान है, आपको कहना है कि कुंभा राम नहर परियोजना को जो पानी है जो सरकार का जो दावा है कि घर घर पहुंचा रहे हैं पानी दे रहे हैं लेकिन वे दावा धरातल पर एकदम ही साफ दिख रहे है कि बिल्कुल दावा फेल हो रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, टंकी पर पानी भर रही है महिला जो उनके काम में पानी आना चाहिए तो वो पानी नहीं पहुँच पा रही है। अब आप डाणी शीशवाड़ा में पहुंचे हैं, उड़े जो ग्रामीण हैं वे ताश खेल कर का आपको समय व्यतीत कर रहे हैं, आपसे जानांगा जी चुनाव आ गया है सरपंच का के माहौल चल रहे हो बाबू जी? बढ़िया को सरपंच आए ताने सरपंच उम्मीदवार जीतने को भागी तो हमको ईमानदार और वफादार
कैंडिडेट चाहिए, ईमानदार और वफादार कैंडिडेट चाहिए, और वो हम सोच समझ के अभी पूरा बस्ती उसका फैसला करेंगे कल शाम तक। अच्छा, मेरी मतलब अपने साफ सुथरे उम्मीदवार चाहिए, कौन है, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो के मायने कोई बेईमान लोग पक्षपात नहीं होना चाहिए, अपने समाज में काम कर, सबको बुलो कर, जो गरीब आदमी है उन्हें ऊपर उठावा है, कैंडिडेट चाहिए, और आपा कोई को समर्थन कौन कर रहा है, भाई फलाना को दिख रहा वो मैंने साफ सुथरे उम्मीदवार चाहिए। हमें ईमानदार और कर्मठ सरपंच की ज़रूरत है, जो कि सारे सर्व समाज को साथ ले कर चले। हमें दो दिन का टाइम लगेगा और एक ही कैंडिडेट पे टोपी धरेंगे, उसी को जिताएंगे। दो दिन और फील्ड में घूम रहे हैं, दो दिन में हम निर्णय निकाल देंगे तो किसको जिताएंगे। कितने वोटर हैं आपके डाणी में? हमारी डाणी में है 150 वोटर, 150 वोट हैं और एक तरफे डालेंगे हम 26 तारीख को क्लियर करके 26 को हम नाम निकाल देंगे, उसी को जिताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ईमानदार कमरेस्पेक्ट और गरीब बंदों की सहायता करने वाले नेता हैं। और समस्याएं यहाँ इस डाणी की, इस डाणी की समस्या ये है कि पानी और वही समस्या है, वो उन्होंने कहा है कि मैं जीत के जो भी होगा मेरे से होगा उतना करवाऊंगा। तो समस्याओं के हल करने की वजह से आप उनकी तरफ है? आज तक तो कोई ऐसा वो है नहीं कि हमारी जो भी कुछ काम हुआ है उन्होंने पूरा किया, जो भी कुछ बोला है। समस्या है कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, उसमें मतलब ग्राउंड की चारों तरफ दीवारें नहीं है और वो ट्रैक भी नहीं बने हुए, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। पानी की, रास्ते की, साधनों की है वो? हाँ, तो सड़कों की भी कमी है, तो उनको भी पूरा कराएंगे। ऐसा कौन कैंडिडेट है आपके जहाँ चुनाव में खड़े? अब ये डाणी सैताला वाली में आप पूछे हाँ, उरे देखा जो एक किसान परिवार है बैठे, लोग बैठे हैं, चुनावी चर्चा ही चल रही है, उक्का की गुड़गुड़ाहट भी हो रही है। ऐसा जानेगा ये चुनाव आ गया, सरपंच का क्या को सरपंच चाहे तने और क्या थारी डाणी में विकास कार्य की जरूरत है? विकास तो साहब विकास होना चाहिए, बढ़िया सरपंच हो काम करो, तब तेज तर्राट कूद के कर पहले से कुछ काम को मारने पर बागी लेना गुजर, ये सबसे बढ़िया लगता है इनमें से तो। और विकास तो आप देख रहे हो, इधर देखो रास्ते न कोई सड़क है, न कोई पानी, कोई सुनाई करता नहीं है, ये बोला बोला आदमी हम तो इसी को वोट देंगे। थाने के लाग रहे हो क्या को उम्मीदवार थाने चाहिए जो थारी कसौटी पे खड़े उतरे? देखो जी, उम्मीदवार तो यही होना चाहिए जो सरल हो, सीधो हो, मिलनसार हो, सबसे मिल सके, और ये बिल्कुल रास्ता से चल के आया है, जो रास्ते की हालत खराब है, पानी भी यो जो नहर को आवाज है, कुंभाराम लिफ्ट परियोजनाओं कदे 10 दिन से कदे 15 दिन से बुरा हाल है, और आप उम्मीदवार में तो ये सारा लड़ रहा जान में सरल स्वभाव और व्यक्तिगत यो भागीर तो सबके काम आवाज है, मारे तो 8 दिन साहब यो ही है, और मैं तो यही चाहवा था कि यो जीतर अच्छो पंचायत को विकास भी करोगे पूरी आशा से मानी।